हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम से मस्त हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पांडे सिस्टर ब्लॉग में। यह है मॉर्निंग का व्यू, आप इंजॉय कर सकते हो। मौसम की बात करें तो देखिए, आज आसमान बिल्कुल पैक है, ये देखिए। सावन का महीना है, कभी भी बरस जाए, भरोसा नहीं है और कब धूप आ जाए। यहाँ तो ऐसे ही होता है, सुबह के टाइम पे हमेशा पैक रहता है आसमान और कब धूप आ जाए पता नहीं। काफी मस्त नज़ारा और गजब का नज़ारा होता है मॉर्निंग का, चिड़ियों की चहचहाट और ये हरे भरे पेड़ मन को लुभा लेते हैं। देखिए आप, सभी जगह हरियाली छाई हुई है। आजकल सामने देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आसपास इतने ज़्यादा मकान हैं, लेकिन सब पेड़ों से ढक गए हैं आजकल। आज नाश्ते में बना रही मैं करेले की सब्जी, यह है पहाड़ी करेले, और कल मैं गई थी गांव की तरफ तो इसे खरीद के लाई। नाश्ता करने के बाद सभी बर्तन मैंने धो लिया यहाँ पर, और सभी काम निपटाने के बाद अब हो गया है लंच का टाइम। लंच में मैंने आज बनाया है यहाँ पे अरहर की दाल, और उसे छौंकने की तैयारी कर रही। यहाँ पर डाला हुआ है मैंने घी, और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा जीरा, और दाल में लगाएंगे मज़ेदार तड़का जीरा और हींग का, और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। इससे काफ़ी स्वादिष्ट होती है दाल, और बनाऊंगी मैं रायता इसके बाद। और अरहर की दाल में मैंने पहले से टमाटर और बेसिक मसाले नमक सभी डाला हुआ है, और यहाँ पर मैंने हींग और जीरे का तड़का लगाया हुआ है। इसमें दाल डाल देंगे, उसके बाद कुकर में चढ़ाऊँगी मैं चावल, फिर बनाएँगे हम रायता। चढ़ा दिए हैं मैंने यहाँ पे चावल, दाल बॉयल हो गई है। यहाँ पे मैं खीरा कसने की तैयारी करने लगूंगी, इससे बनाऊंगी मैं रायता आज। और यहाँ पर मैंने आम भी भिगो दिए हैं, देखिए ये अपने बगीचे के आम हैं हमारे, जिनको मैंने फ्रीज में रखा हुआ था, उसके बाद पानी में भिगो दिया क्योंकि आम गर्म होता है, उसके बाद इसे हम कट करेंगे। और यहाँ पे मैंने खीरा भी कस लिया, अब रायते की तैयारी करती हूँ। पसीना देखिए यार, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है किचन में, और इसमें डाल देंगे हम कसे हुए खीरे में नमक, स्वाद के अनुसार आप लोग जितना लेते हो कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, और इसमें थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला।
मिर्ची नहीं डाली मैंने क्योंकि मिर्ची अब खा नहीं रहे कोई। और इसमें मैंने सभी बेसिक मसाले भी डाल दिए हैं और दही डाल दी है, ये देखिए आप। और देखिए रायता भी एकदम रेडी हो गया है। देखिए रायता बन गया, यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है रायता। तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा चाट मसाला, काफी टेस्ट आता है। और थोड़ा डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। देखिए जी रायता भी हो गया है रेडी और खाना भी मेरा बन गया है। अब बच्चे आएंगे फिर हम लंच करेंगे, उसके बाद करेंगे आराम, फिर शाम को आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं मक्के से एक नई रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने मक्के छिले हुए हैं, अब मैं इसे बॉयल करूँगी। आप इसके दाने निकाल के भी अलग से बॉयल कर सकते हो, लेकिन मैं ये दो दो पार्ट में तोड़ के कुकर में डालूंगी और सीटी लगाऊंगी इसमें। अब इसे मैंने कुकर में डाल दिया है, अभी इसमें डाल देंगे हम पानी और इसे बॉयल करने रख देंगे। सो गाइस देखिए अभी पीस गया है मक्का, और देखिए अब इसका बैटर रेडी हो गया है यहाँ पे। गाइस देखिए यहाँ पे रेडी हो गया मक्के का चीला, और यहाँ पे मैंने लिया है सॉस। और गाइस आप देख सकते हो अब ये रेडी हो गया है, एंड इतने खूबसूरत मौसम के साथ इसे करते हैं हम इंजॉय। तो अब तो शाम का टाइम हो गया है, एंड आप देख सकते हो धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई है, इधर से काले बादल हैं। सो गाइस ये हमने बिल्कुल बेसिक ढंग से बनाया, जैसे मैंने आपको बताया ये मक्का था बॉयल मक्का, इसको हमने पीसा, एंड देन उसके बाद इस पर हमने बेसिक मसाले हरी मिर्च वगैरह आप सब डाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद इसका एक बैटर तैयार करना है आपको, बेसन मिर्च वगैरह डाल के। ऐसा चीला यहाँ पे रेडी हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा मौसम भी हो रखा है, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, और ऐसे हम इंजॉय करते हैं। सो गाइस देखिए अब शाम हो गई है, और यहाँ पे मेरी बहन और मम्मी कर रहे हैं बगीचे में काम, मक्के बो रहे हो वहाँ पे। और ये देखिए इधर से भी पूरा व्यू। सो गाइस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, आप लोगों को कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।